हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइनी फिट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टाइनी फिट्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपकी भी डिलीवरी अब आसपास डेट आ चुकी है, ड्यू डेट मिल चुकी है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिलीवरी सिम्टम। तो जो डिलीवरी सिम्टम आपकी बॉडी में भी अलग अलग तरीके होते हैं, यानी कि अलग अलग पोजिशन पे अलग अलग तरह के सिम्टम आपकी बॉडी में होते हैं। अगर आपकी डिलीवरी में अभी 10-15 दिन का टाइम है तो आपकी बॉडी में अलग तरह के सिम्टम आपकी बॉडी में दिखाई देंगे। और अगर आपकी डिलीवरी में अभी हफ्ता बाकी है, 2-4 दिन बाकी है, तो आपकी बॉडी में अलग तरह के सिम्टम आपकी बॉडी में दिखाई देंगे। और अगर आपकी डिलीवरी अभी 2-4 घंटे में होने वाली, यानी 1-2 दिन में होने वाली है, तो भी आपकी बॉडी में अलग तरह के सिम्टम होते हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम पता होंगे कि कौन से टाइम पर कैसे आपकी बॉडी में सिम्टम होते हैं, तो आप श्योर हो जाएंगी और आप घर बैठे जान सकते हैं कि अभी आपकी डिलीवरी में कितना टाइम है, कितना समय है, कितने घंटे हैं। तो ये कुल मिला के वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर तभी पहुंचेगा, मेरे चैनल पे कोई भी जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आप पे नोटिफिकेशन आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं फिर आज की बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो। तो फ्रेंड्स, क्या होता है अगर आपके जैसे अभी 9 मंथ स्टार्ट हो गया, बहुत सारी महिलाओं का आपने देखा होगा कि जो डिलीवरी है वो 8 मंथ खत्म होते, यानी 9 मंथ का एक हफ्ता बीता नहीं कि डिलीवरी हो जाती है। बहुत सारी महिलाओं की डिलीवरी 9 मंथ खत्म होने के बाद होती है। तो कुल मिला के जो 9 मंथ होता है वो ऐसा मंथ होता है कि इसमें डिलीवरी की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, कभी शुरुआत में तो कभी किसी को अंत में होती है। तो यहाँ पर आपको अपने बॉडी में हो रहे बदलाव को पहचानना है ताकि आपको भी पता चल पाए कि आपकी डिलीवरी कब होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको वीक और मंथ और डेज वाइज बताऊंगी कि कितने दिनों के बाद कैसे कैसा बॉडी में चेंज आता है, ताकि आप पहचान पाए कि आपकी डिलीवरी कब। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपकी डिलीवरी में अभी 10-15 दिन का समय है तो आपकी बॉडी में ये कुछ चेंज आप फील कर रहे होंगे। तो क्या होता है कि इस टाइम पर जैसे 8वां महीना जब खत्म हो जाता है या 8वें महीने के अंत तक आपकी बॉडी में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं, जैसे कि जब बच्चा बर्थ पोजीशन में जाना शुरू कर देता है तो आपको अब पेट के निचले हिस्से में, यानी कि नाभि से नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिसको एब्डोमिनल एरिया बोलते हैं, वहां पर आपको कड़कपन टाइटनेस फील होती होगी। और बहुत बार क्या हो जाता होगा, पेट एकदम टाइट और एकदम गर्म गर्म आपको फील होता होगा। तो ये क्यों होता है, बच्चा बर्थ पोजिशन में जा रहा है और बच्चा कभी कभी मोमेंट बंद कर देता है क्योंकि स्पेस कम है, बच्चे का डेवलपमेंट पूरा हो चुका है, प्लेसेंटा भी पूरा बढ़ चुका है, तो पेट में स्पेस कम हो जाता है तो बच्चे को घूमने फिरने के लिए जगह नहीं मिलती और बच्चे का जो सर है धीरे धीरे आपकी बर्थ कनाल में जाना शुरू कर देता है, यानी कि जो सर्विक्स है वहां पर उधर पुश होने लगता है बच्चे का सर, तो जिस वजह से बच्चे के पैर बस ही मूवमेंट कर पाते, तो कभी कभी बच्चा तो पुश बहुत तेज करता है तो जिसकी वजह से बच्चा नीचे की तरफ भी खिसकता रहता है। और आपको बहुत ज्यादा पेन होता होगा, बहुत बार आपको नाभि के आसपास गोल गोल बॉल की तरह लगती होगी और कभी कभी क्या है आपके जांघों के बीच में आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज फंस गई है, हड्डी जैसे ऐसे लगता होगा कि कुछ चीज फंस रही है, तो ऐसी भी फीलिंग आपको आती होगी। तो इस तरह के सिम्टम अगर आपको है और साथ ही आपको अब यूरिन की शिकायत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा आपको टॉयलेट आना शुरू हो गया है, तो ये सिम्टम है कि अब अभी आपकी डिलीवरी में 10-15 दिन का समय है, आपकी डिलीवरी अब 10-15 दिन बाद कभी भी हो सकती है। अब नेक्स्ट बात फ्रेंड्स, आपके अगर डिलीवरी में अभी हफ्ता बाकी है तो कौन से सिम्टम आपकी बॉडी में होते हैं। तो हफ्ता 10 दिन पहले आपकी बॉडी में तो डिस्चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, व्हाइट डिस्चार्ज है, किसी को येलो डिस्चार्ज आता है, किसी को ब्राउन डिस्चार्ज आता है। तो ये जो डिस्चार्ज होता है फ्रेंड्स, ये होता है म्यूकस प्लग, जो जब बच्चा सर्विक्स की तरफ बच्चे का सर जाता है तो वहां पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो आपकी बच्चेदानी के पॉइंट पर, यानी कि मुंह पर एक म्यूकस प्लग लगा रहता है, वो प्रेशर से निकलना शुरू हो जाता है, आपको वो डिस्चार्ज के रूप में आपकी प्राइवेट पार्ट से बाहर आता है। तो ये एक सिम्टम है कि अब आपकी डिलीवरी हफ्ता 10 दिन में 100% हो जाएगी। नेक्स्ट है, आपको लूज मोशन की शिकायत हो सकती है। बहुत बार क्या होता है, आपको आपकी जांघों में, आपकी पैरों में बहुत ज़्यादा आपको पेन फील हो रहा होगा, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत बढ़ जाती है। ऐसे में क्या होता है कि जब प्रेशर आपकी रीढ़ की हड्डी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है और जो हड्डियाँ हैं, जो हिप्स की हड्डी में जब बच्चे का सर फिक्स होता है तो जितने भी आपके शरीर में जोड़ हैं, खासकर पेल्विक एरिया के, वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं, कमर का दर्द बढ़ जाता है। बहुत सारी महिलाओं को ये दर्द है, कमर से होते हुए पेट की तरफ आता है, बहुत सारी महिलाओं को ये दर्द पेट से होते हुए कमर की तरफ जाता है। तो ये इस तरह की शिकायत आपको हो रही है तो आप कंफर्म हो जाइए कि आपकी डिलीवरी हफ्ते 10 दिन में 100% हो जाए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी में 1-2 दिन या कुछ ही घंटों में अगर आपकी डिलीवरी होने वाली तो कैसे सिम्टम होते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम है फ्रेंड्स, आपके
वाटर लीकेज होना। वाटर लीकेज अधिकतर 10-12 घंटे पहले आपकी डिलीवरी से पहले हो जाता है, बहुत सारी महिलाओं को नहीं होता। बहुत सारी महिलाओं का वाटर बैग लीक होना शुरू होता है, तो अगर आपको वाटर बैग लीक हो गया तो बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है फ्रेंड्स, तुरंत आपको अपने डॉक्टर से बात करना, अपने हॉस्पिटल भागना है। क्योंकि अब अगर बच्चे का वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब पानी में ही बच्चा मूवमेंट करता है, पानी में ही बच्चा सर्वाइव करता है, जो एमनियोटिक फ्लूड है, जब वही लीकेज हो जाता है, तो अब बिल्कुल देरी नहीं करनी, आपकी डिलीवरी अब हो जाएगी 4-5 घंटे 10 घंटे, जैसे भी आपको लेबर पेन आएगा। नेक्स्ट है आपको फोर्थ लेबर पेन आना। होता है कभी कभी 10-12 घंटे और या 24 घंटे पहले, 1-2 दिन पहले आपको फोर्थ लेबर पेन आते हैं, यानी कि आपको लेबर पेन जैसे आपको पेन आते हैं, पर वो फोर्थ लेबर पेन है या रियल पेन है उसका कैसे पहचानेंगी आप? अगर आप लेटी हुई हैं और बैठ गई, मूवमेंट कर लिया तो बंद हो गया, तो वो फोर्थ लेबर पेन है। और जो लेबर पेन होता है वो हर एक कंसिस्टेंसी के साथ आपका बढ़ता चला जाता है, और हर एक मिनट के सेकंड में जितने भी आपको गैप में पेन आ रहा है तो वो वैसे ही आता रहता है, और फिर धीरे धीरे उसकी जो इंटेंसिटी है यानी कि उसकी तीव्रता वो बढ़ती चली जाती है लेबर पेन की। अगर इस तरह की शिकायत है तो ये सारी महिलाओं का जी मिचलाना शुरू हो जाता है, वोमिट की शिकायत हो जाती है और लूज मोशन बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, बार बार उनको यूरिन और लूज मोशन की शिकायत हो जाती है। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपको लास्ट के टाइम में हो रही है तो ये सारे ऐसे सिम्टम हैं कि आपकी जो डिलीवरी अभी कुछ ही घंटों में, एक या दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।